और चलिए बात करते हैं बीएसपी की। 24 की चौसर में अब तक शांत बैठी बीएसपी अचानक से एक्टिव हो गई और आकाश आनंद ने अपने कैंपेन की शुरुआत एक ऐसे मुद्दे से की जिस पर अखिलेश और कांग्रेस तक खुलकर बोलने से बच रहे हैं। दरअसल आकाश आनंद ने कहा कि राम मंदिर बनाया अच्छी बात है, जब बाबरी मस्जिद बनेगी तब हम आपके साथ खड़े होंगे, ये उनका बयान है। अब सवाल यह है कि आकाश आनंद बाबरी के बहाने आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, कौन सी सियासी चाल चलना चाहते हैं? ₹2024 की चौसर में बीएसपी ने बाबरी वाली चाल चली है, यानी सियासत में गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे हैं ताकि वो गवाही दे सकें बीते वक्त की। संदेश साफ और सीधा है, मुस्लिम वोटर इंडिया ब्लॉक की जागीर नहीं बल्कि बीएसपी भी उसमें साझी है। कम से कम आकाश आनंद के बयान का तो यही मतलब निकलता है। उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया, साथियों राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने। राम मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात है, जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। बीएसपी प्रमुख मायावती वैसे तो हमेशा नपे तुले शब्दों में बोलती रही हैं, लेकिन उनके भतीजे के तेवर बता रहे हैं कि MY फैक्टर अब सपा के साथ नहीं बल्कि M पर सपा और बसपा में बंटवारा होगा। वैसे भी मौजूदा दौर में बीएसपी वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है। वोट प्रतिशत कहता है कि 2007 में 30.43% वोट और 206 सीट मिली थी, 2012 में 25.19% वोट और 80 सीट मिली थी, 2017 में 22.23% वोट और 19 सीट मिली। फिर आया 2022 जब पार्टी सबसे बुरे प्रदर्शन के साथ 12.88% वोट ही हासिल कर पाई और सीट मिली सिर्फ एक, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन में से एक है। अब आकाश आनंद बाबरी पर बयान देकर क्या मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया, साथियों राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने। राम मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात है, जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। मथुरा में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद के निर्माण पर बयान दिया। आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया ये अच्छी बात है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा साथ खड़ी होगी। गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी की ज़्यादातर सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए आकाश आनंद का ये बयान मुस्लिम कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। सियासी जानकार मानते हैं कि बीएसपी के हर दांव का सीधा नुकसान इंडिया ब्लॉक को होगा। देखिए मस्जिद तो अयोध्या में बन रही है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रही है, मुझे लगता है आकाश आनंद को जाकर उसको आर्थिक मदद या फिर कार सेवा जो भी वो करना चाहें वहां कर सकते हैं। शायद आकाश आनंद को पता नहीं है कि अयोध्या में एक विशालकाय मस्जिद का प्रपोजल तैयार कर रखा है। यानी सियासी चौसर पर चालें चली जाने लगी है, शहमात का खेल शुरू हो गया है। आकाश आनंद की चाल से सबसे ज्यादा परेशान सपाई ही होंगे। इंतजार इस बात का है कि अखिलेश यादव अब कौन सा दांव चलते हैं और बीजेपी इन दोनों की गेम में कैसे अपना गणित सेट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। आकाश आनंद के बयान के मायने समझने के लिए हमें पहले मुस्लिमों की सियासी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। यूपी में करीब 4 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी है जो कुल आबादी का तकरीबन 20% है। प्रदेश के विधानसभा 65 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद तकरीबन 30% के आसपास है या फिर इससे ज़्यादा है। रामपुर में तो मुस्लिम आबादी तकरीबन 49% के करीब है। उपचुनाव में रामपुर लोकसभा और विधानसभा सीट, साथ ही स्वार विधानसभा सीट, आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी की चिंता पहले से ही बढ़ी हुई है। अगर सियासत में मुस्लिम इतना अहम फैक्टर है तो पिछले चुनाव में उनका रुझान किधर रहा था, अब तक ये मतदाता किसे वोट करते रहे हैं ये पूरी कहानी भी समझ लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी के 73% मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के महागठबंधन को वोट किया था।
कांग्रेस को 14 और बीजेपी को 11% मुस्लिम वोट मिले थे। नतीजों में कांग्रेस पार्टी महज एक सीट पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन 15 सीट जीतने में कामयाब रहा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 58% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, कांग्रेस को 11% और बीएसपी की बात करें तो उसे 18% और बीजेपी को 10% मुस्लिम वोट मिले थे। लेकिन इसके उलट 2009 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी यूपी की 80 में से 21 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी तब उसे 25% मुस्लिम वोट मिले थे, 30% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को और 18% ने बीएसपी के पक्ष में 2009 के चुनाव में मतदान किया। तो आपने मुस्लिम फैक्टर को पूरी तरीके से समझ लिया होगा। अब जरा आकाश आनंद के बयान को 3D चश्मे से भी देखते हैं, उसके असर नफा नुकसान का आकलन भी करते हैं। असर यह होगा कि बीएसपी की तरफ मुस्लिमों का झुकाव बढ़ेगा, ऐसा आकाश आनंद ने सोचा होगा। नुकसान यह होगा कि एसपी और कांग्रेस गठबंधन का वोट प्रतिशत कम होना संभव है, और नफे की बात करें तो मुस्लिम वोटर बटा तो बीजेपी को फायदा संभव। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 की 64 में। यूं ही नहीं कहा जाता है कि राजनीति अपना रंग दिखाती है, सियासी लाभ के लिए कब कौन किसका साथ कहां दे दे, कहां विरोध करे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। यही चल रहा है 24 की 64 में। खबर है कि हैदराबाद में MIM और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद में अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। इसका दावा कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फिरोज ने किया है। हैदराबाद लोकसभा सीट से ओवैसी चुनाव लड़ेंगे और इस सीट से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। कॉम्प्रोमाइज बिटवीन MIM एंड कांग्रेस पार्टी, सो आई एम नॉट इन द रेस, हाईकमांड विल डिसाइड। ये तीनों, कांग्रेस पार्टी हो, MIM पार्टी हो और BRS पार्टी हो, तीनों एक ही है, एक ही ग्रुप है, तीनों का DNA एक ही है। और 24 की 64 में आ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।